खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां गुजरात यूपी से आए बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश में अब चुनाव की कमान संभालेंगे। यूपी और गुजरात से आए नेताओं की बैठक शुरू हुई है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी और चुनावी प्रबंधन से जुड़े लोगों के साथ ये बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रबंधन की कमान दूसरे राज्यों के नेताओं के हाथ में होगी। देखो बड़ी बात, मध्य प्रदेश नहीं आ गुजरात यूपी से आए बीजेपी के नेता अब चुनावी कमान संभालेंगे। जानकारी देंगे आशीष, मेरे सहयोगी आशीष। अब बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश में आके, खासतौर पर गुजरात और यूपी से जो बीजेपी के नेता आए हैं वो मध्य प्रदेश में चुनावी कमान संभालेंगे। चुनाव में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन पर सीधी नजर इनकी होगी। देखिए परुल, कहा जाता रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा, सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहाँ तक अमित शाह ने भी दावा किया था कि मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ है और मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन देश भर में सबसे सशक्त है। एक संगठन कौशल के लिए मध्य प्रदेश का नाम गिना जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव की आहट आचार संहिता के मुहाने पर जब मध्य प्रदेश खड़ा है तो इसी समय बीजेपी ने यूपी और गुजरात से तमाम मंत्री, सांसद और विधायकों को बुलाया है और आज संगठन महामंत्री रामलाल के साथ इनकी बैठक हुई है। यूपी से आए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अशोक कटारिया और अनिल शुक्ला यहां बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा गुजरात के कई विधायक और सांसद भी मौजूद थे। जब बीडी शर्मा प्रदेश महामंत्री बीजेपी के, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी में सहयोग की परंपरा रहती है और एक दूसरे राज्य में कार्यकर्ता सहयोग देने के साथ साथ सीखने के लिए भी आते हैं। लेकिन चुनाव मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव जहां पर शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम लोग दावा करते हैं कि मध्यप्रदेश में बीजेपी चौथी बार सत्ता बनाएगी, उनको बाहर के नेताओं का सहयोग लेना पड़ रहा है। एक तरह से अपने ही नेताओं के ये दावे कि मध्यप्रदेश में बीजेपी का संगठन कौशल सबसे मजबूत है, संगठन मजबूत है, उसके बाद बाहर के नेताओं की मदद लेना एक राजनीतिक कवायद के रूप में देखा जा रहा है और इन नेताओं को के जरिए क्या दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व सीधे नजर रखना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नजर रखने के लिए इन तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। पारुल, बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है आशीष के मध्य प्रदेश के नेताओं पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं है आलाकमान को? निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा हो रहा है पारुल कि जब मध्य प्रदेश में इतना सशक्त नेतृत्व है, संगठन कौशल का दावा करते हैं आप और ऐसे में बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, इसमें साफ तौर पर यही बात निकल कर आ रही है कि केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि मध्य प्रदेश में किसी तरह की गुटबाजी हो या किसी तरह का विवाद हो, लिहाजा दूसरे राज्यों के नेताओं को कमान दी जा रही है जिससे साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व नजर रख सके। और इसका दूसरा पहलू भी है पारुल जिसमें ये साफ हो रहा है कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो 3 सीटें हैं जिसकी जिम्मेदारी यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पास, चाहे वो गुना, शिवपुरी हो, झाबुआ हो या छिंदवाड़ा हो, इन तमाम सीटों की जिम्मेदारी जो यूपी के मंत्री के पास है तो उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है कि लोकसभा में 29 की 29 सीटें बीजेपी हासिल करे। लेकिन जिस तरीके से दूसरे नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश का नेता सक्षम नहीं है, मध्य प्रदेश का संगठन सक्षम नहीं है। जी परुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।